ठीक है, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? बड़े उम्मीद है आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, बहुत ही मज़े में ही होंगे। तो कल की तैयारी अभी से दिखनी शुरू हो गई है। तो कल हम ट्रिप पे जा रहे हैं, अभी पता नहीं है कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो मिलते हैं कल सुबह बिना किसी बकवास के। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6। तो जैसा कल मैंने बताया था, बल्कि कल शाम को तो वो जब ट्रिप पे जा रहे हैं, तो चलो चलो तैयारी करते हैं। और देखो रोशनी भी आ चुकी है, तो चलते हैं बिना किसी कॉज के। तो गाइस ये है आज का हमारा सिंपल सा ड्रेस अप। तो कमेंट में बताना कैसा लगा आपको, लेकिन आप फिर बताते ही नहीं हो। तो फाइनली अभी सब तैयारी हो चुकी है, मैंने बैग में ट्राईपॉड वगैरह सब कुछ भर लिया है। तो बता दूं मैं मद्रास के साथ में वही पिकनिक वगैरह कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चल दूँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं आज का सीन क्या होता है। तो मुझे लगता है फर्स्ट प्लेस हमारी जो होगी ट्रिप की, वो होगी शायद कोई बारामूला साइड में नॉर्मल पार्क है, नॉर्मल पार्क ऐसा ही कुछ नाम है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो चलो चलते हैं बिना किसी बकवास के। गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी है जिसमें हम जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी गाड़ी है जिसमें बहुत सारे ये आ सकते हैं बच्चे। तो चलो चलते हैं यार, वापस चलता हूँ। लेकिन एक बुरी बात है कि फैज़ान नहीं है हमारे साथ। चलो कोई नहीं, तो चलो चलते हैं, देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। हम पहुँच चुके हैं, लेकिन हम गुलनार पार्क नहीं बाबा ऋषि आए हैं, क्योंकि वहाँ पे बंद था गुलनार पार्क। वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली कि वो बंद है, इसलिए अब हम बाबा ऋषि आए हैं। तो देखते हैं आज का सीन कैसा होता है। तो चलो चलते हैं, इन्जॉय करते हैं। तो बात करें यहाँ के कश्मीरी हैंडक्राफ्ट्स की, तो कसम से मुझे तो बहुत पसंद आए। यहाँ का सीन देख के समझ तो आ रहा है क्या हो रहा है। भाई बाबा ऋषि आए तो कश्मीरी वाजवान को कैसे भूल सकते हो। जन्नत आए तो जन्नत का खाना तो खा के ही जाना पड़ता है। VLOGS हो गया, सुपरेटिव आई टी सी व्लॉग्स OGS। भूख लगी और कश्मीर तुझ ना खाए, ऐसा कभी हुआ है?
तो वैसे अभी का सीन ऐसा कुछ हो रहा है, 1 बजने के लिए तैयार हैं, तो अभी हम टिफ़िन वगैरह गाड़ी से लेके ऊपर चलते हैं, तो फिर खाना खाते हैं, तो चलो चलते हैं। इसका मैं थोड़ा फ़ोटो शूट करता हूँ। तो अभी का कुछ ऐसा सीन है कि खाना पेट पूजा हो गई, हमने ऐसे जंगल में ही खा लिया, तो अजान ख़त्म हो गई, तो अभी नमाज ही पढ़ेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा घूमने जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से यहाँ का सीन कैसा होता है, तो चलो देखते हैं, अभी चलते हैं। तो गाइस अभी जंगल से वापस नीचे चलते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, तो उसके बाद आपके साथ में मिलता हूँ। और वैष्णव बहुत थक गए, अब देखते हैं आगे का सीन क्या होता है, कहीं और जाते हैं तो दिखाएंगे आपको, वरना अगर घर ही चले गए तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से वापस दिखाने का भी बहुत सही मज़ा है। तो चलो चलते हैं, फिर आगे मिलते हैं आपके साथ कुछ टाइम के बाद, तक के लिए स्टे ट्यून। तो गाइस बारिश ने सारा सीन ख़राब कर दिया है, जैसा कि मेरी हालत देख सकते हो, बारिश। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। तो गाइस अभी हम एक और नई जगह पे पहुंच चुके हैं, मतलब के बांडीपुरा के मतलब के कैफेरिया पार्क में। तो देखते हैं आगे का सीन क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं अंदर जाऊंगा, फिर भी देखते हैं क्या होता है, अगर अंदर गया तो आपको दिखाऊंगा, वरना पता ही आपको, तो यहाँ का व्यू तो बहुत ही अच्छा है। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, बाकी स्टे ट्यून्ड। अभी का कुछ ऐसा सीन हो रहा है कि हम कैफेटेरिया नहीं गए, मतलब कि वहाँ तो हम गए बाबा शुक्रुद्दीन, तो यहाँ तो पहले भी मैं आ चुका हूँ, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, तो मैंने नमाज़ पढ़ ली। तो देखते हैं आगे का सीन क्या होता है, तो मिलते हैं आपके साथ, तब तक के लिए बने रहे वीडियो में। तो हे गाइस फाइनली अभी हम अपने घर पहुंच चुके हैं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अंदर चलते हैं फिर बात करते हैं। तो इधर हम अंदर आ चुके हैं, सॉरी मैं अंदर आ चुका हूँ। पता है आज के दिन में सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद आया, ये की चेन, इस पर लिखा है सुपरेटिव YTC व्लॉग्स। अभी पता नहीं, मुझे लगता है उल्टा दिखा रहा होगा, ऐसे दिखाया क्या समझ नहीं आ रहा, लेकिन इस पर लिखा है सुपरेटिव YTC व्लॉग्स, हमारी चैनल का नेम। तो आपको एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक दबा देना है और बेल आइकन तो ज़रूर दबाना है, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप देख सको और फिर वीडियो पे आ सको ना, वही ना, वही बात है, एक ही बात है तो है भाई। और हाँ, आज के दिन में जहाँ हम गए थे बाबा ऋषि, वहाँ की सबसे बड़ी खासियत है कि वहाँ पे बच्चों के, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसके बाद उनके बाल काटने पड़ते हैं, तो वहाँ लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके बाल काटते हैं, ऐसा रिवाज है यहाँ पे। तो फाइनली मुझे लगता है आज की वीडियो में आपको पसंद, मतलब कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूरी कर देना यार, थोड़ी सी सपोर्ट तो दिखाओ। तो आगे भी वीडियो आने वाली हैं, बहुत सारी आएंगी, और हाँ आने वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि मैं सो गया था, तो उसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाया था आगे आने, घर जाने का सीन। तो वो बोलिए, अगर आपको आज की वीडियो पसंद है लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो मिलती है अपनी अगली वीडियो में, किसी और अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।